इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिए, मैंने ऑलमोस्ट सभी प्लेसेस कवर किए हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोगन सुभाष। और आज हम आए हैं सिंहगढ़ पे, और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो सिंहगढ़ है। अभी मैं रास्ते में ही हूँ, तो थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा, 15-20 मिनट में। तो चलिए देखते हैं। रोज आंगो घर पर रोज आंगो घर पर अभी मैं आया हूँ सिंहगढ़ के पार्किंग में हूँ। अभी मैं पहुँच गया हूँ, लगभग आधा एक घंटा लगता है यहाँ पे आने के लिए पुणे स्टेशन से। ये जो मेरे पीछे से रास्ता है सिंहगढ़ पे जाने के लिए, और ये सबसे मतलब ट्रैकिंग के लिए सबसे इजीएस्ट फोर्ट रहेगा ये। अभी मैं आपको खड़कवासला और नांदेड़ सिटी बताता हूँ। ये देखो, जो सामने जो है वो नांदेड़ सिटी है, जो बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं ऊँचे ऊँचे वो नांदेड़ सिटी है। और ये जो सामने आप पानी देख रहे हो, ये खड़कवासला डैम है। ये देखिए पूरा बैक वाटर उसका। यहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटी भी है। ये देखिए, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये टॉयलेट के लिए। और यहाँ पे ये जो प्राइजेस लगाए गए खाने के लिए, कितनी चीज़ें कौन से जो प्लेट्स है कितने रुपीज़ में मिलना चाहिए वो भी है। और ये है एमटीडीसी का बोर्ड, इन्होंने कुछ सूचनाएं लिखी है यहाँ पे, वो ज़रूर पढ़ लेना। गढ़ पे ही ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जहाँ पे आपको चटपटा खाने के लिए मिलेगा, और ये गढ़ पे हर जगह पर है। इस बोर्ड पे लिखा है कि आप गढ़ पे नॉनवेज नहीं खा सकते, और यहाँ पे लिखा है कि आप 3 घंटे से ज़्यादा गढ़ पे रुक नहीं सकते। और आप गढ़ पे आओगे तो दारू गुटखा सिगरेट मत लेना, न तो आपको बहुत सारे फटके मिलेंगे। और यहाँ पे आप रॉक क्लाइंबिंग भी कर सकते हो और रैफलिंग भी कर सकते हो। और यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, और जो फोर्ट है उसका मैप भी दिया गया है पूरा। मैं ऑलमोस्ट ये सभी प्लेसेस आपको दिखाऊंगा। ये जो सभी बोर्ड है ये महाराष्ट्र वन विभाग ने लगाए हैं, और ये है वेलकम का बोर्ड। ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है पुणे दरवाज़ा। यहाँ पे और एक दरवाज़ा है, वो कल्याण दरवाज़ा है। नीचे जो गांव है कल्याण करके, उधर से ऊपर आने के लिए। और ये जो पीछे देख रहे हो मेरे, ये है पुणे दरवाज़ा। ये देखें, अभी भी काफ़ी मजबूत है ये दीवारें, आप देख सकते हो। उसका कोई रिनोवेशन या कुछ किया नहीं गया है, सिर्फ जो ऊपर के दीवार है उसका रिनोवेशन किया गया है। वीडियो काढते मी। हे गाइस, अभी मैं खा रहा हूँ पेरू, आप भी खा सकते हैं, ये लीजिए।
काफ़ी अच्छा है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए यहाँ पे आओगे तो। अभी मैं खड़ा हूँ पुणे दरवाजे के ऊपर, ये देखिए यहाँ से हम आए हैं पीछे से, वहाँ पे पार्किंग है। और ये ऐसे तीन दरवाजे हैं यहाँ पे भी, ये पुणे दरवाजे के साइड में भी तीन दरवाजे हैं, ये एक है ऊपर, एक है और उसके ऊपर एक है। ये देखिए मेरे पीछे एक जो है ये सेकंड है, और नीचे से आपको आप चल के भी आ सकते हैं, नीचे से आप ट्रैक भी कर सकते हो छोटा सा। ये पूरा मैप है गढ़ का, फोर्ट का मैप है ये पूरा, और इसमें पूरा डिटेल्स दिए गए कि कहाँ पे कौन सा लोकेशन है और कहाँ पे कौन सा ये प्लेस है देखने के लिए जो गढ़ पे। तो ये काफ़ी, ये एक्चुअली रोटरी क्लब है, उन्होंने मेंटेन किया है ये, तो देख सकते हैं आप मेरे पीछे। एक्चुअली ये जो पुणे दरवाजे से अंदर आओगे तो ये लेफ्ट साइड में ही लगा है ये। और ये जो है पुणे दरवाजा 2 है, जो हमने पहले देखा वो पुणे दरवाजा 1 था, और तीसरा भी है इसके आगे है। और ये जो है मेरे पीछे इस साइड में भी जाने के लिए है। प्लेस है ये, अगर आप पुणे दरवाजे से ऊपर आओगे तो दरवाजा नंबर 2 है, उसके पहले ही लगता है ये, जो लेफ्ट साइड में जो रास्ता जाता है वहाँ पे है ये सब। ये देखो, और ये देखो नीचे पानी की टाकी है, इसमें थोड़ा बहुत पानी है पर मुझे नहीं लगता ये यूज़फुल होगा इतना। ये देखिए, ये देखिए मेरे पीछे जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है वो पार्किंग एरिया है, जहाँ से हम गाड़ी लगाकर आए हैं, ये पुणे दरवाजे के साइड में है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से, नीला नीला पानी। ये सामने जो है ये सिंहगढ़ घाट है, जो ये दूरदर्शन का टॉवर है, ऊपर एक आदमी भी दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए आपको स्पॉट हो रहा है तो, कुछ बिल्डिंग का काम कर रहा है वो। और ये छाते एंटीनास, और ये जो नीचे यहाँ पे कल्याण दरवाजा है, अभी हम खड़े हैं बुरुज पे, आगे की तरफ है ये पुणे दरवाजा 2 है, 2 है उसके पहले ही लेफ्ट साइड जाने के लिए जो रास्ता है वहाँ पे खड़े हैं अभी हम। और ये सामने जो है ये कल्याण दरवाजा है, देखिए यहाँ पे। गाइज ये है तीसरा दरवाजा है, टोटल 3 दरवाजे हैं पुणे दरवाजे के साइड से, ये पुणे दरवाजा 3 है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ये मेरे पीछे जो है ये तोपखाना, ये देखिए ये वाला, ये आपको अगर आप तीसरे दरवाजे से अंदर आए, पुणे दरवाजा 3 से अंदर आने के बाद राइट साइड में ही है ये, आपको ये बहुत दूर से भी दिखाई देगा ये। आपको मेरी आवाज घूमती होगी अभी,
गाइस ये मेरे पीछे जो है ये घोड़ा, घोड़ाचा पागा बोलते हैं इसको मराठी में। एक्चुअली यहाँ पे जो घोड़े थे वो बांधा करते थे अंदर। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर क्या क्या। सिंहगढ़ का जो तीसरा दरवाज़ा है उससे अंदर आओगे तो ये लेफ्ट साइड में ही है, तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ से छोटा सा दरवाज़ा है अंदर से जाने के लिए। गाइस ये पहले यहाँ पे घोड़े बांधते थे, देखिए। गाइस यहाँ पे आप थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग भी कर सकते हो। अरे मागवा का कैमरा ला, मागवा का, मागवा ने मजे ये गाइस ये गणेश मंदिर है। ये जो घोड़े बांधते हैं उसके आगे ही है, लेफ्ट साइड में उसके आगे ही पानी का छोटा सा तालाब भी है। हे गाइस यहाँ पे मारुति का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे अंदर, ये देखिए। पुणे दरवाजे से अंदर आते हो तो अंदर आते ही ये लेफ्ट साइड में जो हॉर्सेस जहाँ पे बांधते हैं उसके आगे ही है, ये लेफ्ट साइड में। गाइस देखो यहाँ पे भी एक मंदिर हनुमान जी का ही है। ये उस टाइम का घर है ये ऊपर, ये देखिए। ये भी बारिश के टाइम यहाँ पे जो ऊपर जो खाना बनाने आते हैं वो यहाँ पे खाना बनाते होंगे। ये देखिए जो गढ़ के ऊपर जो होटल्स हैं वो है, ये यहाँ पे वो खाना बनाते हैं। ये चूल्हा है ऊपर का, ये देखो। कितने पर्यंत चालू असता? हाँ जी किती पर्यंत चालू असता? 6 वाजेपर्यंत का? आणि सकाळी किती असत? 8 वाजता। हॅलो गाईज, मैंने लिया है भरीत भाकरी लिया है मैंने, इसमें भरीत आता है जो बैंगन का भरीत रहता है वो है, और ये एक भाकरी है ये 50 रुपये में है कुछ, और इसके साथ दही भी है। दही की प्राइस किस 20 रुपीज़ है। एक जो ये मटका है इसमें दही आता है, बहुत कम रहता है पर अच्छा रहता है, ये 20 रुपीज़ को एक। और ये एग्जैक्टली मैं अभी बैठा हूँ, इधर से राजगढ़ दिखता है सामने, राजगढ़ है इधर, राजगढ़ है, और इधर लेफ्ट साइड में है पुरंदर गढ़ है। तो यहाँ पे जो राजगढ़ का व्यू है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पे आके आराम से खा के राजगढ़ का जो व्यू है वो इंजॉय भी कर सकते हो। जैसे कि आपको आवाज़ आती रहेगी, मैं मैच भी देख रहा हूँ, आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है। एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था, अगर मालूम होता तो मैं नहीं आता था, मैच देखते बैठता था, पर अभी आ गया और अभी मुझे पता चला है कि किसी ने यहाँ पे लगाया था मोबाइल पे, तो अभी मैंने भी मोबाइल पे मैच देख रहा हूँ। मैं थोड़ा मैच देखूँगा फिर उसके बाद आपको बाकी के प्लेसेस दिखाऊँगा मैं। और इंडिया का काफ़ी अच्छा स्कोर हुआ है तो मज़ा भी आ रहा है देखने के लिए, और यहाँ पे आके मैच देखना एक अलग ही बात है। फिर क्या इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आई है तो अच्छा स्कोर बना है, पर राजकोट का मुझे लगता है जो ग्राउंड है ये बैटिंग पिच है, बैटिंग के लिए ज़्यादा फेवरेबल, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा चेस भी करेंगे उन लोग, क्योंकि शाम में ड्यू भी गिरता है। तो देखते हैं अभी क्या होता है इंडिया के हाल। अगर ये मैच अगर इंडिया लूज़ करती है तो सीरीज़ हार जाएगी, अगर जीतती है तो सीरीज़ बराबर कर देगी। तो देखना पड़ेगा, अभी शाम को घर पे जाके देखना पड़ेगा कि एंड रिज़ल्ट क्या है मैच का। तो चलिए अभी आपको बाकी के प्लेसेस दिखाता हूँ। ये जो मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये जो घर है बंगलो टाइप छोटा सा, ये माननीय बाला साहेब ठाकरे है उनका ये रेस्ट हाउस है ये, ये देखो। ये लेफ्ट साइड में है,
हे गाइस, इसको बोलते हैं देव टाकी। यहाँ पे पीने का पानी है, पूरे जो फोर्ट है उस पर पीने का पानी यहाँ पे ही है, और ये सब जगह सप्लाई होता है इधर से पानी। मतलब जो यहाँ पे जो होटल्स है या जो छोटे छोटे ढाबे हैं उनके लिए, ये उनके लिए जो पानी है वो यहाँ से लेके जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। काफ़ी साफ पानी है। हेलो गाइस, ये है कल्याण दरवाज़ा, यहाँ से नीचे है कल्याण दरवाज़ा, तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। हेलो गाइस, मैं अभी कल्याण दरवाज़ा के ऊपर ही खड़ा हूँ, ये देखिए, और यहाँ से नीचे देखिए, ये देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज की जय। हर 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 हर। कल्याण दरवाजे पे खड़ा हूँ अभी। जो जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है कल्याण दरवाजा नंबर 1 है, और ये जो आप सामने देख रहे हो वो 2 है, और उसके आगे जो है वो 3 है, और यहाँ पे नीचे ही अगर आप देखोगे तो ये नीचे गांव है, और काफ़ी मतलब अच्छा मेंटेन किया है इसको भी कल्याण दरवाजा को, बहुत अच्छा है, और एकदम मतलब बीस्ट की तरह दिख रहा है ये, देखो। ये जो औरतें हैं वो गढ़ पे दही बेचते हैं, वो अभी काम ख़त्म करके अपने घर जा रहे हैं। वाह, क्या प्लेस ढूंढी है दोनों ने बैठने के लिए। मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ वो दरवाजे 3, पुणे दरवाजा 3 के राइट साइड में है। और ये जो सामने वाला रास्ता है ये तिलक रेस्ट हाउस तक जाता है। ये है नागिन तोफ का छोटा सा बच्चा, हमें नागिन नहीं मिली पर उसका बच्चा मिल गया है। गाइस, बहुत ही खूबसूरत कैनन है ये, और ये जो तोफ है वो बहुत ही हेवी है। ये जो मूर्ति है वो लोकमान्य तिलक है, उनकी मूर्ति है ये। ये ठीक उनके बंगलों के राइट साइड में है। ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फ्रीडम फाइटर, क्योंकि उनका जो पर्सनैलिटी थी वो काफ़ी बिंदास वाली पर्सनैलिटी थी, और बहुत ही सीधे और सरल विचार वाले थे। और ये जो लोकमान्य की जो पदवी है ये उन्हें लोगों ने दी है, क्योंकि लोगों में बहुत ही फेमस थे ये। और ये है उनके जन्मदिन की तारीख है यहाँ पे, और उनकी मृत्यु की भी तारीख लिखी गई है, और ये कुछ उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है। और गांधी जी भी लोकमान्य तिलक जी को मिलने के लिए यहाँ सिंहगढ़ पे आए थे उनके रेस्ट हाउस में, और लोकमान्य तिलक जी ने यहाँ पर काफ़ी पुस्तकें भी लिखी है। ये है उनके रेस्ट हाउस का एंट्रेंस डोर, और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत है ये भी रेस्ट हाउस उनका। मुझे लगता है कोई इसे मेंटेन भी करता है अभी, पर नॉर्मल पब्लिक है उनके लिए अलाउड नहीं है अंदर जाना। अभी हम देखने वाले हैं नरवीर तानाजी मालसुरे जी की समाधि, वो यहाँ से आगे है। ये है उसका एंट्रेंस।
और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सिंहगढ़ के बारे में भी है और तानाजी मालसुरे के बारे में भी है। एक्चुअली आप सिंहगढ़ को तानाजी मालसुरे जी जो है उनसे आप अलग नहीं कर सकते, इसलिए जो कुछ इसमें आपको मिलेगा उसमें तानाजी मालसुरे जी का जो नाम है वो सबसे ऊपर दिखेगा आपको। और स्पेशली इनकी जो समाधि है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन की है। और ये कुछ हिस्ट्री है पूरी। और ये जो मूर्तियाँ है ये बैटल ऑफ कोंडाना में जिन्होंने मावले ने फाइट किया था उनका जो स्मरण करने के लिए ये मूर्तियाँ बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत है। अलग अलग आपको हथियार भी दिखाई देंगे आपको इसमें। ये जो आप देख रहे हो ये किले कोंडाना उर्फ सिंहगढ़ की टाइमलाइन है पूरी। ये मराठी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में है। ये हिंदी में भी होता तो बहुत अच्छा रहता था, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट जो यहाँ पे आते हैं जिन्हें हिंदी समझ में आती है उनके लिए भी अगर ये अगर होता तो बहुत अच्छा होता था। कोई बात नहीं, इंग्लिश में है तो वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, तो वो वहाँ से देख लेंगे। दिस इज़ माई फेवरेट व्यू। यहाँ पे शिवाजी महाराज जी है और उनके सामने है तानाजी मालसुरे जी बैठे हैं। अगर आपको तानाजी पर छोटी सी स्टोरी सुननी है और उनके बारे में पवाड़ा भी सुनना है तो ऊपर दिए हुए लिंक या एंड स्क्रीन पे जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। ये है तानाजी मालसुरे जी की समाधि, बहुत ही अच्छी है। तानाजी मालसुरेंची या ठिकाणी पालखी सजवली, महाराजांनी जातीनं खांदा लावला, मावळ्यांना पालखी पळवत राजगडावर नेली। या जागेचं पावित्र्य असं म्हणतं की गड आला पण शिव गेला, गड आला पण शिव गेला। जय भवानी, जय भवानी। यहाँ पे राइट साइड में ऊपर जो स्टेयर्स से चढ़ के जाना पड़ता है ऊपर, यहाँ पे एक कोंडेनेश्वर मंदिर है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, ये भी देखिए यहाँ पे। ये जो मंदिर है ये तानाजी मालसुरे जी का जो समाधि पॉइंट है उसके पहले ही राइट साइड में ऊपर है स्टेयर्स से जाने के लिए। और ये है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्वराज का भगवा झंडा और आज भी वो शान से लहरा रहा है। अभी हम जा रहे हैं राजाराम महाराज समाधि की ओर। ये शिवाजी महाराज जी और उनकी जो पत्नी है सोहराबाई उनके पुत्र थे ये। और ये सिंहगढ़ पर तब आए थे जब मुगलों ने सातारा पर हमला किया था, और यहाँ आने के बाद उनकी जो मौत है ये लंग डिजीज़ से हुई। और उनके मौत के बाद उनकी जो चिता थी उस पर उनकी एक जो वाइफ थी उन्होंने सती कमिट की थी। ये है कलावंतिन बुरुज और यहाँ पे आप टेलीस्कोप से नेचर का जो आनंद ले सकते हो। अभी मैं जा रहा हूँ गढ़ के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, वो है तानाजी मालसुरे कड़ा, जहाँ पे तानाजी मालसुरे गढ़ पर आए थे बैटल ऑफ कोंडा के टाइम पे। वो यहाँ से आए थे। ये सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट जो कड़ा है वो है वहाँ से आने के लिए ऊपर। वो देखिए जो सबसे लेफ्ट में वो है तानाजी कड़ा, देखो कितना स्टीप है वो। पीछे है जुंजार बुरुज है, यहाँ पे आगे है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। और ये काफ़ी सुंदर सनसेट भी है देखो मेरे पीछे। इस पॉन्ड के लेफ्ट साइड में उदयभान राठौड़ समाधि है और ये जो सामने देख रहे हो आप वो है जुंजार बुरुज और खूबसूरत सनसेट पॉइंट। Thank you so much guys for watching this video. Please like, comment, share और subscribe कीजिए और bell icon पे click करना भी मत भूलिए, जिससे आपको मेरे नए videos के notification आ जाएंगे। तो आपके support के लिए thank you so much.